हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और दोस्तों अभी नया ब्लॉग स्टार्ट हो चुका है। जैसे कि आप सभी लोगों ने देखा कि अभी मैं देहरादून में आ रखा हूँ, तो अभी रेडी हो गया हूँ मैं जाने के लिए देहरादून। और देहरादून का मतलब यह है, देहरादून में तो हुई लेकिन देहरादून का मतलब यह है कि घंटा घर की तरफ जहाँ मेरा काम है, और देखते हैं काम हो पाता है कि नहीं हो पाता है। तो अभी मतलब रेडी हो चुका हूँ मैं। बाकी अभी मनु यहाँ पे खेल रही है, मेरे को देख रही है कि मामा क्या कर रहा है ना, क्या कर रही है? कुछ नहीं। तो दोस्तों अभी चलते हैं फिलहाल घंटाघर, और उसके बाद वहीं आपको दिखाते हैं कि क्या काम है। तो परी को लेने आए हैं आज, तो परी कैसा लगेगा है? दोस्तों अभी परी को लेने गया था और परी को लेकर के आ गया हूँ स्कूल से। आज इसकी छुट्टी जल्दी हो गई, उसके बाद जाऊंगा अभी घंटाघर। तो अभी परी को देखो, परी भी आ गई है ना। परी आज क्या हुआ तेरे स्कूल में? कुछ नहीं हुआ, बहुत कुछ हुआ। तो चलो घर में चलते हैं ना पहले। और घर भी आ गया है, ये गेट आ गया हमारा, गेट खोलो। चलो चलो। तो दोस्तों शॉप पे पहुंच चुके हैं जहाँ पे काम था, और एक तो ये काम था, बाकी एक और काम भी था मेरा जो हो चुका है। और बाकी अभी मैं शॉप पे पहुंच चुका हूँ। तो ये देख सकते हो आप GoPro, और जिसको लेने आए हैं आप। और दूसरा यहाँ पे देख सकते हो माइक, और इसका फेस कवर हो गया, और ये हो गई आपकी बैटरी जो अलग से लेनी है। तो दोस्तों ये पूरी शॉप है यहाँ पे, और इस शॉप से ले रहे हैं। और शॉप का नाम पूजा फोटोग्राफर करके है, और जो कि घंटाघर यानी कि आपका देहरादून में है। और ये देख सकते हो पूरी शॉप विजय के जस्ट सामने। तो ये शानदार यहाँ से कैमरा मिल सकता है। तो दोस्तों घंटाघर से आ चुका हूँ, और घंटाघर के इधर की तरफ आ चुका हूँ मैं, और यहाँ से मुझे ऑटो लेना है फिर से घर जाने के लिए। ये सामने से ऑटो लेना है मुझे, तो यहाँ पे अभी बसें चल रही हैं, रोड क्रॉस करके जाना पड़ेगा उधर। तो दोस्तों सामान तो मिल चुका है जिस चीज़ के लिए मैं आया था यहाँ, और ये सामान है। तो अभी फिलहाल कमरे पे चलते हैं। तो दोस्तों रूम पे पहुँचने वाला हूँ, और शहरों की लाइफ इतनी बिजी लाइफ होती है कि क्या ही बताएं आपको। और दोस्तों दूसरा मतलब यहाँ पे शोरगुल बहुत ज़्यादा होता है शहरों में, और पहाड़ी इलाकों में तो बहुत ही अच्छा माहौल है। जो भी यहाँ पे नया नया आएगा उसको रोड क्रॉस करने में बहुत ही ज़्यादा परेशानी होती है शहरों में, और पहाड़ी इलाकों में ऐसा नहीं है। पहाड़ी इलाकों में इजी तरीके से सारे काम हो जाते हैं, बाकी यहाँ पे शोरगुल गाड़ियों का इतना ज़्यादा है कि। और बाकी दोस्तों मैं भी मेन हाईवे से अंदर की तरफ आ चुका हूँ, कमरे की तरफ। तो अपनी गली में पहुँच चुका हूँ, कमरे वाली गली में। तो अभी सामान भी लाया था कुछ, तो वो भी आपको दिखाऊँगा कमरे पर जाकर। की लाइफ इतनी भाग दौड़ वाली लाइफ है कि क्या बताएं आपको। और मुझे भी मतलब सुबह से काफ़ी भागना पड़ रहा है, और जिस समय से गया हूँ मतलब 11 बजे करीब लगभग चले गया था मैं 10:30-11 बजे, तो अब आया हूँ लगभग 2:30 बजे आया हूँ रूम पे। तो अभी फ़िलहाल अंदर चलते हैं पहले। दोस्तों कमरे पर भी पहुँच चुके हैं, और देखते हैं अंदर ये लोग क्या कर रहे हैं। तो ये रूम है छोटा सा, और देखो मनु और परी, और मनु को देखो, मनु क्या कर रही तू ऐसे देखो, और ये परी क्या कर रही, ये कार्टून देख रही है। देखो दोनों क्या मस्त हो रखे हैं इधर। कार्टून में क्या देख रही तू? ये देखी। क्या ये? अरे तू स्कूल से कब आई? कौन लेने आया था तेरे को आज? मामा लेने आए। मैं आया था ना। ए अच्छा लगा तेरे को? कितना अच्छा लगा? बहुत अच्छा। कौन सी क्लास में पढ़ रही तू? वन में। आगे क्या है वन में? तो वन आगे आगे बोले स्कूल का नाम बोला आपने, स्कूल का नाम बोले? रोजमाउंट स्कूल। तो दोस्तों चलिए आपको दिखाते हैं कि आज क्या क्या सामान आया है मेरा वहां से, और सामान पूरा दिखाऊंगा। और इसका अभी तो मैं सिर्फ आपको मोटा मोटा दिखा रहा हूँ, बाद में क्या करूँगी कि इसका एक प्रॉपर वीडियो बना के आपको दिखाएंगे कि कैसे कैसा है। तो पहले तो आप सामान देख लीजिए। तो दोस्तों देखिए GoPro 10, और इसका कवर हो गया, और इसकी जो माइक लीड हो गई, ये अडेप्टर है हेलमेट वाला,
और ये माउंट है उसका, ये स्टिक नहीं मामा, और ये है हेलमेट का माउंट और एक बैटरी एक्स्ट्रा। तो इस पे कंप्लीट अभी साफ भी दिखाई नहीं दे रहा होगा क्योंकि ये कमरा थोड़ा अंधेरा होता है यहाँ, जबकि खुला हुआ है, खिड़की खुली हुई है लेकिन अंधेरा दिखता है यहाँ से। तो दोस्तों इसको ये अभी मैं फिलहाल दिखा रहा हूँ आपको मोटा मोटा। तो इसको तो दोस्तों GoPro को अनबॉक्सिंग का एक प्रॉपर वीडियो बना के दिखाएंगे आपको, और GoPro में क्या क्या चीज़ें हैं और उसको पूरा लगा के आपको दिखाएंगे। अभी अभी नहीं दिखाऊंगा, अगले ब्लॉग में दिखाऊंगा उसको आपको। और दोस्तों अभी यहाँ देखो इसको, ये भी हाथ लगाने पे लगी हुई है, उछल कूद कर रही है यहाँ मेरे साथ, और छोटी सिस्टर इधर। आज एक नया गद्दा भी ले लिया है, तो आज इतना ऊंचा गद्दा देखो कितना ऊंचा ले लिया है, और इसको देखो ये इसमें खेल रही है परी, और उधर से मनु। तो दोस्तों GoPro की अनबॉक्सिंग आपको अलग ब्लॉग बना करके दिखाएंगे, और उसके बाद अब एक अलग ही लेवल का वीडियो ब्लॉग होने वाले हैं आगे चल करके। अब कमी है तो बस एक बाइक की, और बाइक लेंगे जल्द, पहले अभी फिलहाल देखते हैं सेकंड हैंड में भी काम चला सकते हैं, लेकिन अगर सेकंड हैंड नहीं मिलेगी तो देखते हैं। आप लोगों के ऊपर भी बात है, अगर आप लोग व्यू थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ा देंगे तो क्या पता यूट्यूब से पैसे भी आ जाए थोड़ा सा, तो उन पैसों से थोड़ा बाइक भी ले लें, ऐसा भी हो सकता है। तो दोस्तों वो आप लोगों के ऊपर भी बात है। अभी परी कर रही है काम अपने स्कूल का, और बाकी अच्छा ट्यूशन का है अच्छा, और मन्नु अपने दादाजी से बात कर रही है। देखो उसको छोड़ देना, फिर मैं जो आगे वाला कर दे मैथ्स का कर देता, बताती हूँ मैथ्स का तो मैंने कर लिया, हिंदी का कर देते। मन्नु अपने दादाजी से बात कर रही है, बाकी देख सकते हो आप पापा का है, और ये देखो। तो दोस्तों अभी रात के लगभग 10 बज चुके हैं, और टाइम भी आपको थोड़ा सा दिखाई देते हैं, तो कितना हो गया टाइम, तो दोस्तों ये देख सकते हो 9:44 यानी कि 9:45 हो चुके हैं। और यहाँ पे देखिए मूँगफलियाँ खाई जा रही हैं, ये देखो इतनी सारी खा दी हैं मूँगफलियाँ, और ये देखो बाकी परी और दोनों सो गए हैं। और दोस्तों मेरी भी सोने की तैयारी है, अभी थोड़ा सा मूँगफली वगैरह खा रहे थे, मैं तो नहीं खा रहा ज़्यादा, यही खा रही है, तो इसने पूरी मूँगफलियाँ ख़त्म कर दी हैं, मेरे लिए कुछ रखी नहीं क्योंकि मैं काम पे लगा हुआ था इसलिए। और बाकी दोस्तों खाना पीना अभी थोड़ी देर पहले हुआ हमारा, और आज तो अभी यहीं हूँ सिस्टर के यहाँ, और देखते हैं कल हो सकता है घर भी जाएँ सुबह, तो कल का कल देखते हैं, अगर रुकने का प्लान होगा तो आपको पता लग जाएगा ब्लॉग के माध्यम से। तो बाकी दोस्तों अभी खाना पीना सब कुछ हो चुका है, टाइम भी ज़्यादा हो चुका है, तो दोस्तों अभी ये ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। और दोस्तों तो कल मिलते हैं दूसरे नए ब्लॉग में, तो दोस्तों ब्लॉग देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड नाइट एंड बाय बाय।